हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एसी एम टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेके उसका स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो उसे कन्वर्ट भी करके किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ इस तरीके का दिखाना चाहता हूँ कि यार जैसे कि यूजर ने कुछ इनपुट कर दिया, जैसे उसने नाम ले लिया यार कि भाई उसका मेरा नाम राजेश ले लिया, तो इसमें से अगर उसको एक ही वर्ड प्रिंट करवाना हो, एक ही कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो, तो उससे किस तरीके से वो करवा सकता है। तो इसे बोलते हैं पाइथन में इंडेक्सिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सिंग। तो आप चाहें तो आप नया यहाँ पे फाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी पर काम चला लेता हूँ क्योंकि अब कौन फाइल बनाए तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं यहाँ पर पहले क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, कमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सिंग। जो पाइथन में इंडेक्सिंग है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है या बहुत ही यूजेबल है जब आप पॉजर बनाएंगे। जब हम एक बनाएंगे एप्लीकेशन ना या ऐप जब बनाएंगे हम, तो जब अपना ऐप बनाएंगे तो उसमें ऐप में हम ऐसा बहुत रिएक्शन करेंगे जहाँ पे हमें इसे यूज करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आता होगा और आप मेरे साथ बने भी रहेंगे। तो अगर मेरे साथ आप बने हैं तो मैं आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन या ऐप भी बना के भी दिखाऊंगा, और जितना मैंने इंजीनियरिंग में किया है मैं आपको भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग वैसे कुछ भी नहीं है। अगर आपने एरे पढ़ा है ना, तो एरे में जैसे इंडेक्स होता है उस तरीके से यहाँ पर भी सेम वही काम करता है। चलिए मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने नाम को ही बनाता हूँ, अब बनाता हूँ अपना ही नाम लिखता हूँ, फिर दूसरे का नाम क्यों लिखूँ जैसे कि राजेश लिख लिया। अब इसमें अगर आप इंडेक्सिंग का बात करें तो जो आर है ना ये जीरो से शुरू होगा, यानी कि इंडेक्स जो होता है हमेशा जीरो से शुरू होता है। तो आर जो है वो जीरो पोजिशन पर है और जो ए है ना वो पोजिशन एक पर है, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है, यानी कि जीरो से शुरू हो रहा है और काउंट करते आप चले जाओ आपको इंडेक्सिंग पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आर का, तो आर इंडेक्स एक नंबर पे है, यानी नहीं जीरो नंबर पे है क्योंकि पहला वर्ड है। तो हमेशा क्या होता है, जो पहला कैरेक्टर होता है ना आर, वो हमेशा चाहे आर हो चाहे जे हो कुछ भी हो, आपको काउंट जो करना है ना वो आपको जीरो से ही करना है। ये इंडेक्स हो गया जीरो, लेकिन अभी आप इंडेक्स इसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जीरो है। अगर आपने ए साइन लगा दिया ना तो आप बोल सकते हो कि यार ये इंडेक्स जीरो है, क्योंकि ये साइन का मतलब होता है इंडेक्स। तो चलिए ये आर हो गया। इस तरीके से मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। एक अगर मुझे ए को कहना हो तो क्या कहेंगे हम, ए का इंडेक्स क्या हो सकता है, ए इंडेक्स का साइन हो गया, आप ए हो गया जीरो, ए हो गया वन, क्योंकि आपको जीरो से बस काउंट करते जाना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इवन हंड्रेड वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री आपको जैसे जितना ज़रूरत हो। तो ये जो है ना जीरो के बाद में एक पे पोजिशन पड़ता है, तो इसका मतलब कि एक का पोजिशन जो है वो एक है, वन है। इस तरीके से अगर मैं एच का बात करूँ तो एच का इंडेक्स क्या हो सकता है, काउंट करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि एच का जो इंडेक्स है ना वो फाइव है। तो आपको जो प्रिंट करवाना है आप यहाँ से यही इंडेक्स यूज़ करके उसी स्पेशल कैरेक्टर को आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, प्रिंट लिखा और नेम लिखना होगा आपको, भूलना नहीं कि आपको नेम छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो नेम है ना यहीं से मुझे उठाना है कैरेक्टर को। तो आपको नेम लिखना होगा, उसके बाद में आपको लिखना होगा डॉट, और उसके बाद में आपको लिखना होगा नहीं डॉट आप ना लिखें फिर भी चल जाएगा, यहाँ पे आप इंडेक्स लिख दें कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए। इसे नेम से मुझे चाहिए, लेकिन नेम से कौन सा इंडेक्स मुझे चाहिए, जीरो वन टू थ्री बहुत है यहाँ पे, तो कौन सा वाला आपको चाहिए, मुझे चाहिए थ्री वाला। तो आप काउंट कर लो कि थ्री कौन सा कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं जीरो पे वन टू थ्री, यानी कि ई पड़ता है ना, जो इंडेक्स थ्री है वो ई है। तो हमारा इसका आउटपुट जो है ना जो हम रन करेंगे प्रोग्राम को
तो हमें सिर्फ एक जो ई है ना उसको ही प्रिंट करवाना चाहिए और किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ ई को प्रिंट हो जाए। ये जो इंडेक्स होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप नेम से सिर्फ इसी इंडेक्स को आप प्रिंट करो और किसी को मुझे नहीं चाहिए। चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो रन करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, पाइथन और उस फाइल का नाम st.py, इंटर कर दो। देखिए ये आ गया, यानी कि जो लाइन जो इंडेक्स नंबर 3 पे है वो ई है। तो क्या है कि अगर मुझे 5 करना हो, तो 5 को मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 जो है ना वो यस है कि नहीं है। तो आप अगर फिर से यहाँ पे रन करोगे ना तो आपको यस आ जाएगा। तो यही बोलते हैं इंडेक्सिंग। लेकिन अगर आप इसको भूल गए ना तो फिर नहीं होने वाला भाई। ये देखो नेम मैंने 5 लिखा ना, तो वह यहाँ बताएगा कि यार अनएक्सपेक्टेड है आपको। देखिए नेम जो है ना अनडिफाइंड है, यानी कि ये जो नेम 5 है इससे पता नहीं चला कि नेम 5 है क्या। तो अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें तो क्या होगा, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट कोई इंडेक्स ब्रैकेट नहीं है, इंडेक्स के लिए वही ब्रैकेट चाहिए जो मैंने यूज किया था। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर भाई वही बताएगा। ये देखिए str ऑब्जेक्ट कैन डी नॉट कॉलेबल, मतलब इसे कॉल नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको यही लगाना होगा, क्योंकि ये साइन ही है कि ये इंडेक्स बताता है। ये हमेशा क्या वो करता है, इंडेक्स को ही बताता है। तो यानी कि आपको चाहिए इंडेक्स 5, वो भी कहाँ से चाहिए, नेम नाम के वेरिएबल से चाहिए। तो नेम ये खोजेगा कि नेम कहाँ पे है आपके पूरे फाइल में, जैसे यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ ना, जैसे कंट्री हो गया, कंट्री मैंने लिख दिया नेपाल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेगा कि अब जो कंट्री से भी तो खोजेगा ना, ये जब ऊपर जाएगा जो इंडेक्स खोजेगा कि कौन सा इंडेक्स उसे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे तो दो है वेरिएबल, तो कौन सा वाला करवाना है उसे। आपके पास दो हो सकता है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे 10, 20, 50 हो सकता है। तो उस टाइम पे एक खोजेगा जो इंडेक्स है कि कौन सा वेरिएबल से मुझे लेना है इंडेक्स 5 को। तो ये बताएगा कि भाई नेम वाले वेरिएबल जो है ना उससे ले लो आप। तो ले लिया यहाँ से। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट, मतलब कंट्री लिख दिया, तो अब क्या करेगा, अब इंडेक्स 5 जो कंट्री में है कि नहीं आप पहले चेक कर लो। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, सिर्फ 4 तक है, 5 तो है ही नहीं। तो अब मैं आपको पहले 4 प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया, जो यहाँ पे लिखा था वही आ गया, करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे 5 लिख दें तो क्या होता है फिर, तो 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या होने वाला है। तो बोलेगा कि यार जो आपने मुझे दिया है इंडेक्स 5 वो आपके अंदर मतलब यहाँ है ही नहीं, उसका लेंथ नहीं है वहाँ समा वहाँ तक। तो क्या करेगा, देखिए बोला स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि यार वहाँ पे है ही नहीं, वो रेंज जो है ना वहाँ से बाहर चला गया ये 5। तो इसका मतलब क्या है कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, तो आप प्रिंट करवा सकते हो सिर्फ यहाँ 4 तक, 5 को नहीं, 6 को नहीं। यानी कि 4 से ऊपर आप इंडेक्स नहीं दे सकते, क्योंकि 4 से ऊपर तो है ही नहीं वहाँ पे, यहाँ पे 4 से ऊपर तो है ही नहीं, तो आप देंगे कहाँ से। चलिए मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ वाई, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ट्राई करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो देख सकते हैं ना। तो रन करके देखते हैं, ये देखिए वाई आ गया, क्योंकि अभी तो है वाई, क्योंकि अभी तो ये जो है ना ये रेंज के अंदर आ जाता है 5। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो रेंज के बाहर चला जाता है, तो वो आपको प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि भाई आप तो इंडेक्स जो है आपने जिस इंडेक्स को आपने कॉल किया है वो तो इस रेंज के अंदर आता ही नहीं है, वो तो बाहर चला जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, आपको प्रिंट नहीं देगा, आपको एरर देगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आता होगा। मैं क्या है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं कभी उसे एडिट नहीं करता हूँ, थोड़ा सा भी नहीं करता हूँ। तो जैसे बनता है, चाहे वहाँ पे मुझे लिखने में कभी कभी हो जाता है ना कि टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गया, मैं आपको पास अपलोड वैसे ही कर देता हूँ कि भाई यार मुझे दिखाना नहीं है कि मैं मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे सिखाना है आपको है, मुझे आपको किस तरीके से सिखाना है मुझे पता है। मैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में जो किया है, मैं एक अच्छा से सॉफ्टवेयर बनाना जानता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं कंपनी के लिए काम भी करता हूँ,
मैं बहुत पब्लिश कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए बना चुका हूँ, बहुत कंपनी के लिए काम कर चुका हूँ, अभी भी बहुत कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे कंपनी में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस मुझे इतना ही दिखाना है, इसलिए मुझे वीडियो मेरा अच्छा हो या मेरा वीडियो बहुत सुंदर दिखाई दे आपको, या मेरे वीडियो में वो आप कहते हैं एडिटिंग, वो सब आया मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सब बस इतना ज़रूरत है कि आप सीख लें बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।